नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांची लिबर्टी शोरूम में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान। गम्हरिया में ट्रेलर से कुचलकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। और बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। साक्षी कालीमाटी रोड स्थित लिबर्टी शोरूम में आज दोपहर विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जल गई। दो दमकलों के प्रयास से आग को बुझाया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। आग शोरूम के पिछले हिस्से में अवस्थित गोदाम में लगी थी। दिन का समय होने के चलते काफी हद तक जूता और चप्पलों को बचा लिया गया। जमशेदपुर चैंबर के महासचिव हरमिंदर सिंह मंटू ने बताया कि आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जो आग लगी है पीछे स्विच बंद करने की, और स्विच बंद करने के दौरान देखिए वहाँ आग और फिर पूरी आग जो फैल गई है। तत्काल दफ्तर पहुँच गई है और थाना प्रभारी सूचित किया। थाना से भी लोग आ रहे हैं। कितने का नुकसान हो गया ये तो अब जब तक कंफर्म नहीं होता हम नहीं कह सकते। फिर नुकसान काफी है। वहीं गोलमोड़ी फायर स्टेशन के प्रभारी के अनुसार प्रथम दृष्टया में आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट लगता है, लेकिन जांचोपरांत ही खुलासा हो पाएगा। दुकान में आग लग गई है तो हम वहीं पर थे। एक यूनिट हम गाड़ी भेजे तो तत्काल यहाँ से हमारा जो पार्टी प्रभारी फिर आया कि दूसरी गाड़ी भेजिए, गाड़ी बड़ी आग है। तो खुद उस दूसरी गाड़ी पर मैं आया हूँ। और आपको तो कुछ स्टोर में जूता उतार रखा हुआ था, वो तो कुछ बर्बादी हो गया है। शोरूम का दुकान का ज़्यादा सामान बर्बादी नहीं। क्या चीज़ से आग लगी? अब आग तो बिजली है शॉर्ट, इसको कहा जाएगा। लगाने की बात तो नहीं कहा जाएगा, बिजली ही शॉर्ट कहा जाएगा। आग से नुकसान ज़्यादा? हाँ नुकसान तो है, नुकसान है। अब यह अभी तो आंकड़ा हम नहीं दे सकते। तो आग पर आप लोग काबू पा? हाँ काबू पा लिए। गम्हरिया में सुधा डेयरी के पास एक अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से प्रशांत नामक मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि गंभीर रूप से जख्मी युवक को तुरंत टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान टीएमएच में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। जख्मी युवक को अस्पताल लेकर आए एक पुलिसकर्मी ने बताया कि ट्रेलर और बाइक के बीच हुई टक्कर में यह हादसा हुआ। सुधा डेयरी के पास लाया गया। क्या चीज़ से टक्कर हुआ? सुनने में आया कि ट्रेलर मोटरसाइकिल में हुआ है। ट्रेलर और मोटरसाइकिल तेज रफ्तार, क्या रफ्तार है वो नहीं जानता। तो कैसे क्या डेट हो गया? बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर बागबेड़ा बस्ती विकास समिति ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर समिति की आज एक बैठक हुई, जिसमें 16 मार्च को डीसी कार्यालय पर धरना और 19 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया गया। सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए हाहाकार मचने लगा है। क्षेत्र के प्राय चापाकल खराब है, जनता नदी से पानी नाले को विवश है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना में देर है तो प्रशासन को टैंकरों के जरिए क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। बागबेड़ा महानगर विकास समिति जो है पानी का जन आंदोलन पूरे बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर जन आंदोलन कर रही है। इस मामले को लेकर के अभी तक 177 बार घिराव प्रदर्शन, यहाँ से लेकर रांची विधानसभा राजभवन तक का घिराव जो है समिति ने किया है। हजारों ग्रामीणों ने पद यात्रा के माध्यम से रांची विधानसभा का भी घिराव किया है। तत्कालिक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने घोषणा भी किया कि 27 दिसंबर को ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास कर देंगे। उसके बाद भी इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया। डीपीआर के नाम तमाम ग्रामीणों ने फिर तय किया कि हम लोग जो है अब रांची यात्रा नहीं करके अब हम लोग जो है अपने ही स्थान पर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और हमारे क्षेत्रों में जो पानी की किल्लत हो गई है, तमाम क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध नहीं कराती है और ये साफ सफाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जो है कम से कम 15 की संख्या में आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्यपाल की। स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 16 वर्ष किए जाने संबंधित लिए गए फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसमें संशोधन की मांग की है। इस संबंध में मंच ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है।
मंच के बंदे शंकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से भारतीय समाज में जो ब्रह्मचर्य की जो धारणा थी इस पर आघात पहुंचेगा। सरकार को भारतीय समाज का ख्याल रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के मंत्रिमंडलीय समूह ने स्वेच्छा से यौन संबंध स्थापित करने की आयु 18 से 16 किया। स्वदेशी जागरण मंच सरकार की इस नीति का विरोध करती है। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि 18 साल भी गलत था और उसको और कम कर देने से जो हमारे समाज में जो भारतीय समाज में जो एक ब्रह्मचर्य की जो कल्पना थी जिसके कारण बच्चे बच्चियां पढ़ करके और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे उस शिक्षा के ऊपर में भी बहुत असर पड़ेगा और जो समाज में जो गलत कार्य जो आज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके ऊपर में भी असर पड़ेगा क्योंकि कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों को स्वेच्छा से जन संबंध स्थापित करने की सरकार की अनुमति के बाद। जैक के पूर्व उपाध्यक्ष एवं झारखंड विकास दल के अध्यक्ष सूरज मंडल ने जेएमएम नेता हेमंत सोरेन पर बरसते हुए कहा कि अगले चुनाव में जनता उन्हें औकात बताने का काम करेगी। सूरज मंडल ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य के राजनीतिक हालात से जनता को रूबरू कराने के लिए वे पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार किया कि अब चुनाव पैसे का हो गया है और पैसे वाले ही चुनावी नैया को पार करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो की भी आलोचना की। औकात हम नहीं बता सकते हैं, राजनीति में औकात बताने के लिए जनता सक्षम है और उसी के इसमें जो है जनता के अदालत में हम भी आए हैं। नया पार्टी झारखंड विकास दल पार्टी तो मेरा पहले से था ही जी। तो उसको जिंदा किए हैं। आज बाबूलाल मरांडी के पास में अरबों रुपया है, मलेशिया इंडोनेशिया से लेके कलकत्ता और साउथ अफ्रीका तक तो उसका पैसा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से पूर्व में अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए सब्जी विक्रेताओं को किसी खाली जगह में व्यवस्थित करने का फैसला रेलवे प्रशासन ने लिया है। यह जानकारी सब्जी विक्रेता संघ के अजय ओझा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि उजड़े सब्जी विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन ने भेजा है। उम्मीद है कि रेलवे प्रबंधन इस पर शीघ्र अमल करेगा। पिछले दिनों आप लोग भी जान रहे हैं सभी कि बगैर सूचना का बाजार को उजाड़ दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन जिसमें रेलवे के नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी पदाधिकारी डिविजन लेवल पर सभी को ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी दिया कि हम लोग यहाँ पे 40 साल पुराने बाजार लगा रहे हैं, इसके एवज में हम लोग कहीं पे जमीन का व्यवस्था कराए। तो रेलवे का तरफ से अभी हम लोग को आश्वासन आया है, ईएन का तरफ से प्रपोजल बना के भेजा गया है कि आप लोगों को बाजार दिया जाएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंप झारखंड विधानसभा भंग कर नए जनादेश की मांग की है। अजीत यादव ने कहा कि जनहित में राज्यपाल को विधानसभा भंग कर राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की अनुशंसा करनी चाहिए। उपायुक्त महोदया के द्वारा दिए हैं, साथ ही हम लोग इस पत्र के माध्यम से मांग करते हैं महामहिम जी को कि झारखंड में जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है इसके लिए जल्द से जल्द विधानसभा भंग हो और नया जनादेश के लिए चाहे जिसकी भी सरकार बने किसी पार्टी का हो और नई सरकार बने और स्वच्छ सरकार बने, इसीलिए विधानसभा जल्द से जल्द भंग करें और झारखंड में एक नया सरकार के लिए नया जनादेश जल्द से जल्द घोषणा करें। जेवीएम नेता दुलाल भुइया ने राज्य के भुइया समाज को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर होने संबंधित फैलाई जा रही अफवाह पर एतराज जताया है। उन्होंने आज अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम पूर्व मंत्री मथुरा महतो ने किया है। संयुक्त बिहार में भुइया समाज के लोग अनुसूचित जाति की सूची में थे और अलग झारखंड राज्य बनने के बाद भी इस समाज को इस सूची में रखा गया था। जो पिछले दिन माननीय मथुरा प्रसाद महतो ने पूर्व मंत्री ने जो बात को उठाया उसको स्पेसिफिक रूप से क्लियर बताना चाहिए। केवल जमीन पर भुइया जाति का खरीद बिक्री का है। जाति जो सूचक है वो जाति सूचक में हरिजन दलित में है, ये ना कह के पिछड़ी बोल दिया इस तरह से गलत, क्योंकि मथुरा जी कार्मिक प्रशासन के पदाधिकारी या मंत्री नहीं थे और वो भारत सरकार के जो भी
एसटी एसी का किनको कास्ट में लेना है किनको नहीं लेना है भारत सरकार का मापदंड है, ना कि झारखंड सरकार। और झारखंड सरकार के जो मापदंड में हम पहले से ही हम सूचीबद्ध रूप से हैं, बिहार में हम जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, 1978 में संपूर्ण बिहार में भुजा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा हमको मिला। अब जब झारखंड बन गया 2000 में, तब हमको नोटिफिकेशन 2000 में अनुसूचित जाति में हम 4 नंबर में हैं। तो हम कहाँ हैं पिछड़ी? केवल जमीन पर लेनदेन में हम पिछड़ी हैं। हमारा सूची अनुसूचित जाति है। हम गवर्नर साहब से मांग कर रहे हैं हमको महादलित का दर्जा दिया जाए। और हम जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सभी 24 जिला पर हम इसका नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन को पहुंचाएंगे और ब्लॉक में और अनुमंडल में और जिला मुख्यालय में हम दस्तावेज तब पहुंचाएंगे। ये तो हम पहुंचाएंगे, लेकिन सरकारी तंत्र से भी जाए। जुगसलाई गौरी शंकर रोड पटना कॉलोनी में गुरुवार देर रात आप बैल मुझे मार वाली कहावत उस समय चरितार्थ हुई जब आपस में झगड़ रहे दो टेम्पो चालकों को छुड़ाने गए इकबाल खान और परिजनों पर एक टेम्पो चालक अपने समर्थकों के साथ हमला बोल दिया। इस हमले में इकबाल खान सहित उनके 4 भाई जख्मी हो गए। इनका इलाज स्थानीय एक अस्पताल में चल रहा है। इकबाल खान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पटना कॉलोनी के लोगों की एकजुटता के चलते यह घटना घटी। पूर्व में गरीब नवाज कॉलोनी बसाने को लेकर उनके एक भाई की हत्या हो चुकी है। जस्ट हमारे घर के सामने में लोग आपस में उलझ गए, गंदी गंदी गालियां दे रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, मतलब कि बद से बदतर हाल में। और हम लोग के घर में माँ बहन है, बच्चे हैं छोटे छोटे, रात का 10:30 बज रहा है, सब सो रहे हैं। तो हम लोग बाहर निकल के उसको समझाने की कोशिश की क्यों किसी के घर के सामने तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो आदमी को। सोचे पटना कॉलोनी के नीचे में गरीब नवाज कॉलोनी बसा हुआ है, उसको बसाने के चक्कर में एक मेरे बड़े भाई साहब का भी ये लोग हत्या करवा चुका आज से 20 वर्ष पूर्व। यही टेम्पो वाला जो है? नहीं नहीं, हाँ ये पूरा पटना कॉलोनी का लोग मिल गया। टाटा वर्कर्स यूनियन ने आज एक कार्यक्रम आयोजित कर 15 मार्च 1920 को टाटा स्टील में घटी मजदूर संघर्ष की घटना को याद किया। यूनियन के उपाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि आज के कार्यक्रम में वर्ष 1920 की ऐतिहासिक घटना को याद किया गया। मैं टाटा स्टील के मजदूरों ने जो संघर्ष किया था उसी का आज ऐतिहासिक दिन है। और इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च के दिन हम लोग सभी जुटते हैं और उनको याद करते हैं, अपने परिवार के लोग जिन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान के कारण आज जो टाटा वर्कर्स यूनियन खड़ी है उसके नींव पर हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी याद में हम लोग। कौन साल में ये हुआ था? 1920। बागबेड़ा में करीब 5 दिन पूर्व 13 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले राजप्रसाद नामक युवक को स्थानीय पुलिस ने गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया। घटना बीते 10 मार्च की है जबकि परिजनों द्वारा मामला 14 मार्च को दर्ज कराया गया। FIR दर्ज होने के बाद हरकत में आई बागबेड़ा पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। आसपास में रहने वाला एक लड़का है राजप्रसाद, सामने जा रहा था अपना दोस्त के यहाँ कॉफी वॉपी लाने के लिए, नरा का फायदा उठा कर उसको जब से जरा धमका के बजेंद्र विद्यालय आसपास में जाकर के उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। गुरुवार शाम कदमा उलियान चौक पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में झूमर संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर आदिवासी युवतियां झूमर नृत्य गीत प्रस्तुत करती दिखीं। Yeehaw!